हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मैकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन में जो टर्न कैलकुलेशन मीटर होता है उसको बना करके दिखाऊं, और वो भी कैलकुलेटर से। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं, कंप्लीट वीडियो को देखिए। मैं आज आपको एक कैलकुलेटर से इस मीटर को बना करके दिखाऊंगा, और कैलकुलेटर से इस मीटर को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन वो डिजिटल होगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर से इस मीटर को आपको बना करके दिखाता हूँ, और जिस तरह से ये काम कर रहा है देखिए, उसी तरह से वो मीटर भी काम करेगा। तो अगर आपको ये मीटर नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज करके भी ये करीबन 30 या 40 रुपए में, जो कैलकुलेटर होता है उसका खर्चा और एक दो कंपोनेंट अलग से लगेंगे, उसी का ही रुपए लगेंगे, ठीक है। करीबन 50 रुपये मान लो आप, 50 रुपये में ये मीटर तैयार हो जाएगा, जो कि ये मार्केट में आपको 450 या 500 रुपये में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कैसे बनाता हूँ, कंप्लीट वीडियो को देखकर आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो मैं इस मीटर को बनाने के लिए एक सिंपल से कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको मार्केट में करीबन 20-30 रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। हमें केवल इस कैलकुलेटर में जो इक्वल वाला बटन होता है, बराबर वाला बटन होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, जो कि हर कैलकुलेटर में आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो अंदर से वायर को कनेक्ट करने वाले हैं उसको बता देता हूँ। ये जो बराबर वाला बटन है, जो बराबर वाला बटन जो जहाँ से टच कर रहा है, इसके अंदर से जो टच कर रहा है, दो प्लेटों को टच कर रहा है, तो दोनों प्लेटों को हमें किसी वायर से शोल्डरिंग करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसका टच करने का काम उसके बाद में करेगा। देखिए, मैं दो कंपोनेंट है मेरे पास, एक तो है IR रिसीवर और एक है IR ट्रांसमीटर, ठीक है, जो कि आपको मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होता है उस पर जो रिपेयरिंग का सामान मिलता है आपको, वहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कनेक्ट करने का काम है, जो IR ये जो रिसीवर है ये करेगा, और इसके अलावा हम दो वायर और इसके अंदर से निकालेंगे, जो हम इसके अंदर जो बैटरी या सेल लगा हुआ है उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको कनेक्ट करेंगे इससे, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बराबर वाला बटन है, इसके नीचे से जो प्लेटें हैं उसको मैं दिखा देता हूँ, यानी ये वाला, यानी ये है, इसको हम, ये देखिए मैं थोड़ा सा बारीकी से दिखा देता हूँ। एक तो हो गया ये और दूसरा होगा ये, इसको हम यहाँ से शोल्डरिंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ से शोल्डरिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर जो कार्बन लगा हुआ होता है, तो हम जहाँ पे ये कनेक्ट अंदर से आ रहे हैं, इसके जो कनेक्शन है वहाँ से हम शोल्डरिंग करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो कनेक्शन आ रहे हैं, एक तो यहाँ से है, आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, जैसे एक को, जैसे ये मेरे पास मल्टीमीटर है, ठीक है, तो हम एक को यहाँ पे लगा देते हैं और दूसरा चेक करते हैं ये कहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, मैं इसके नीचे ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ से चेक करते हैं हम इसको, तो ये यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला है, तो उसका शायद ये, इसको नीचे से चेक करना पड़ेगा, ये आएगा शायद, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो हम एक तो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो IR ट्रांसमीटर है उसको भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे, जो कि इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जो इसका जो नेगेटिव सिरा वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और पॉजिटिव हम यहाँ से लगा देते हैं। तो मैं अब इसको फटाफट शोल्डरिंग करके आपको दिखा देता हूँ।
तो देखिए मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया है, ठीक है, अच्छे से इसको सोल्डरिंग कर दिया और मैं इसको वापस फिट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको अच्छे से फिट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे ये जो आईआर ट्रांसमीटर और आईआर रिसीवर है इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसका यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए हम सबसे पहले से ऑन करते हैं, ऑन किया, ऑन करने के बाद हम जैसे किसी फैन की वाइंडिंग की टर्न संख्या को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे वन प्लस शायद आपको दिख रहा है फिर वन। ठीक है, अब हम जो बराबर वाला बटन है उसको दबाते हैं तो ये इसमें प्लस वन होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ से जैसे इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ठीक उसी तरह से ये जो आईआर सेंसर है ये भी इसको कनेक्ट करने का काम करेगा। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए 11 इस तरह से काम करता है, 12। ठीक है, इस तरह से देखिए दिख रहा है, मैं जैसे इसके आगे हाथ लगाता हूँ तो ये इसमें प्लस होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो मशीन है वाइंडिंग मशीन उसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर दिया है, जो कैलकुलेटर है उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और जो आईआर सेंसर है इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, एक बार मैंने इसको अस्थायी रूप से सेट किया है। ठीक है, आप देख सकते हो अस्थायी रूप से इसको मैंने सेट किया, लेकिन आप अगर यूज़ करें इसका तो इसको एकदम स्थायी रूप से सेट करना, क्योंकि अगर ये अस्थायी रूप से सेट होगा तो ये जो यहाँ पर रीडिंग होगी वो एकदम सही नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आप इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। उससे पहले एक बता देता हूँ आपको, आईआर सेंसर के सामने जो मैंने ये जो राउंडिंग के लिए, देखिए राउंडिंग पे जो आधे पे मैंने ब्लैक कलर की पट्टी लगाई है और आधे पे मैंने वाइट कलर की। ठीक है, तो अब हम इसका कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको स्टार्टिंग में ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसको जैसे वन फिर प्लस फिर वन। ठीक है, अब हम जैसे इसको घुमाएंगे तो घुमाने पर इस पे वन प्लस होता रहेगा, यानी एक जुड़ता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ इसमें एक ऐड होता रहेगा। ठीक है, ये देखिए दो हो चुका है। ठीक है, तीन, इस तरह से काम करेगा, देख सकते हो। और पहले भी मैंने इस तरह का एक वीडियो तैयार किया था और उसको अपलोड किया था, उसमें मैंने मैग्नेट का यूज़ किया था लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही वाइब्रेशन के कारण, उसका जो रीडिंग था वो सही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें हम जो सेंसर आई सेंसर का यूज़ करके इसकी रीडिंग है वो 100% काम करेगी। ठीक है,
ये देखिए इस तरह से, देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से ये अच्छे से काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।